ये दो बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में आपको यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायम दिखाई दे रहे हैं, और फिर आपको तस्वीरों में दिखाई देते हैं अजीत डोवाल। अजीत डोवाल कौन? भारत के एनएसए। जी हाँ, लेकिन तमाम लोगों से यूएई के राष्ट्रपति की मुलाकात का अंदाज अलग, और जब मुलाकात होती है एनएसए डोवाल से यूएई के राष्ट्रपति की, तो तस्वीरें कुछ और होती है। ये जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा है, वो आप देखिए किस तरह से जब यूएई में अजीत डोवाल की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात के वक्त करवाई थी, तो यूएई के राष्ट्रपति कितने खुश थे, उनकी तरफ उंगली दिखाकर उनके बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना परिचय दिया होगा, वैसे ही उन्होंने बताया होगा कि मैं आपके बारे में जानता हूं, और एनएसए अजीत डोभाल कितना महत्व रखते हैं भारत के लिए, ये भी हर कोई वाकिफ है। तो उस वक्त की इन तस्वीरों ने भी बड़ी सुर्खियां बटोरी थी, और अब ये तस्वीरें नई हैं। जी हां, ये नई तस्वीर देखिए किस तरह से अजीत डोभाल से जब मुलाकात होती है तो कितना मुस्कुराते हैं, और मिलने का अंदाज दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाता है। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति की अजीत डोभाल के साथ ये मुलाकात बहुत खास हो जाती है। सामने मौजूद पीएम मोदी भी देखते रह जाते हैं जब यूएई के राष्ट्रपति खुद एनएसए अजीत डोभाल से मिलते वक्त कितने खुश दिखाई पड़ते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल का जलवा बहुत ऊपर का है। तभी तो यूएई जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जब उनसे मुलाकात करते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होता है। कभी वो मुस्कुराते हैं और कभी वो उनसे बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दूसरे नेताओं से सिर्फ वो शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, अधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, लेकिन जैसे ही अजीत डोभाल उनके सामने आते हैं वो उनसे हाथ मिलाते हैं और बात करते हैं। ये बड़ा खास उन्हें बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।